Next topic is representation of vector. To differentiate scalar quantities from vector quantities, we use bold letters or simple letters and bar on them or arrowhead on them to represent vector quantities. Graphically, a vector can be represented by a line segment with arrowhead. Line segments, the length of line segment shows the magnitude of the vector, and arrowhead shows the direction. For example, let's see on screen, you can see A, B a line, and arrowhead on B, B shows its direction, and A, the length of AB is the magnitude of vector. इसमें आप ये देखें, सबसे पहले तो हमें एक स्केल बनाना पड़ेगा. यहाँ उसने कहा 80 न्यूटन की एक फोर्स है, 80 न्यूटन की ये फोर्स नॉर्थ टू ईस्ट अप्लाई हो रही है. सबसे पहले तो हम इसका एक ज्यूम करते हैं, स्केल खुद से बनाते हैं. हम ये कहते हैं कि 20 न्यूटन की जो फोर्स है उसको हम एक सेंट 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं. 20 न्यूटन की फोर्स को 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो यानी कि जो लाइन सेगमेंट हम 20 न्यूटन की फोर्स के लिए ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर. तो अब अगर हम ये 80 न्यूटन फोर्स है तो इसका लाइन सेगमेंट कितना, क्या क्या मैग्नीट्यूड बनेगा, 4 सेंटीमीटर. यानी हमें जो लाइन सेगमेंट बनाना है वो तो पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर है. तो ये हुआ स्केल हमने बनाया खुद से. अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये देखें वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमें डायरेक्शन बनानी पड़ेगी. अब ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हमने जो के इस ओरिजिन से जो के नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, इस ओरिजिन से जो नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में ये जो एरिया बनेगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना है. ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी. ये जो 4 सेंटीमीटर है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है, और यहाँ पर ये जो मैं एरो बनाऊँगा ये एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को. तो ये तरीका होता है ग्राफिकली फैक्टर को रिप्रेजेंट करना. पहले स्केल बनाना पड़ता है, फिर मैग्नीट्यूड हम उसका लेते हैं, और फिर दी गई कंडीशन या जो क्वेश्चन में कहा गया उसके मुताबिक उसकी डायरेक्शन को बनाते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आपने ये सब कुछ समझा देखा, इसमें आपको इंशाल्लाह हम मज़ीद जो हैं वो देंगे. इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो टोटल मुकम्मल काम हो रहा है इसमें सिंगल ओलोन आई एम डूइंग दिस. इसमें किसी भी किस्म की कोई हेल्प किसी से नहीं ली गई. इसके लेक्चर्स भी मैं खुद ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसकी कैमरामैनी शूट भी मैं खुद कर रहा हूँ. इस वक्त जो है ये अपने घर में छोटा सा एक स्टूडियो बनाया है, यहीं पर ही इसको कैमरे से शूट कर रहा हूँ. इसका साउंड सिस्टम, इसका हर चीज़ मैं, और इसकी एडिटिंग भी खुद ही कर रहा हूँ. मेरा मकसद है, अब मेरे मरहूम वालदैन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमाए. बस यही वो कोशिश है. लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से साले सवाब करते हैं, तो मैंने समझा कि ये, मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरीका है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो भारी भारी फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते उससे इस्तफादा हासिल कर सकते हैं. और ये टोटल 3D में बनाया गया है, और मैं नहीं समझता, मैंने अभी तक नहीं देखा कि पाकिस्तान लेवल पर इस तरह का काम हुआ हो. तो अगर ये आपको काम पसंद आया है तो मेरे वालदैन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा.